हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस, आज का वीडियो का थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा किस रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। गाइस, अगर आप चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एक अच्छी वीडियो एडिटिंग करें, वो भी बिना वाटरमार्क के, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, मैं बात करता हूँ ये काइन मास्टर एप्लीकेशन की। तो ये काइन मास्टर एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, वीडियो एडिटर है। तो ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा यहाँ पर आपको वाटरमार्क रहेगा। तो बिना वाटरमार्क के लेने के लिए आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप लिंक को क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सिर्फ ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइज़ चूज करना है, कौन सा साइज़ में बनाना है। ये मैंने तो वीडियो यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, तो मैं यूट्यूब का ही साइज़ चूज करूँगा। जैसे ही चूज़ करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको मीडिया पर जाना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो, फ़ोटो, जो भी आपका मीडिया फाइल है, वहाँ से आप वीडियो को चूज़ करके डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो को हम एडिट करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप फ़ोटो से भी कर सकते हैं, मैं वीडियो से करता हूँ, तो चलिए देखिए। तो गाइस, वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपका अगर वीडियो को कट करना है तो देखिए, यहाँ पर ये कैंची का आइकन देख रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके जितना कट करना है, यहाँ पर साइज़ चूज़ कर लीजिए जितना कट करना है। उसके बाद देखिए, ऊपर का जो है यहाँ पर क्लिक करके आप ये साइड कट जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको अगर ये वापस लाना है तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके वापस आ जाएगा ये। अगर आपको दूसरी साइड से कट करना है, यह साइड से कट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके ये साइड पे क्लिक करना है, कितना कट करना है, उसके बाद ये कट कर दीजिए, कट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो सेंटर में कट करना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, कितना कट करना है उतना कट कर दीजिए। देखिए, ये कट गया है, इसको भी वापस ला सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए, हो गया है। अगर आप चाहते हैं ऑडियो को लगाना है, कोई भी ऑडियो, ये ऑडियो लगा सकते हैं इस तरह से, प्लस का आइकन पर क्लिक करके। देखिए, ऑडियो लग चुका है। आज का वीडियो का थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि ये ऑडियो भी कट करना है, तो ऑडियो भी कहाँ से कट करना है, सेम उसी तरह कट कर सकते हैं। सेंटर से भी कट कर सकते हैं, साइड में से भी आप कट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कट नहीं करूँगा। तो चलिए बैक करते हैं। और आप इसमें वॉइस डालना चाहते हैं तो वॉइस भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है गाइस, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं, और फोटो से भी वीडियो बना सकते हैं आसानी से। इसका साउंड ऑफ कर देना है, तो ये ऑफ कर सकते हैं इसका साउंड, ये सॉन्ग का साउंड रहेगा। और देखिए कुछ इस तरह से, अगर आपको वीडियो को एडिट कर फिल्टर कर सकते हैं, या से जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए, या फिर ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए, इसको भी आप डिलीट भी कर सकते हो, उसका भी काट भी कर सकते हो, कम करके जितना काटना है काट सकते हो। देखिए, मैं इतना काट दिया हूँ, इतना काट दिया, इस तरह से काट सकते हो। मैं फ़िलहाल पूरा ही काट देता हूँ, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह ये करना है। उसके बाद आपका वीडियो अगर रेडी हो गया तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए, आपको कितना क्लियरिटी कितना रखना चाहते हैं, HD, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा HD होगा वीडियो। तो उसके बाद एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।